अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है। आज सफ़र का हमारा दूसरा दिन है और हम अभी कोट की पहुंच गए। अच्छा, कल का सीन ये था कि कल जब हम पहुंचे ना तो 560 किलोमीटर की राइड थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो आते ही जो है ना वो तो बस सो गए, मतलब सो गया गए, आराम करने लेट गए। फिर रात हो गई, रात में जो है वो कहीं गए नहीं हम लोग, खाना खाया लतीफ़ भाई के पास से, अब्दुल लतीफ़ मेहर भाई के पास रुके हुए गोटकी में। यार भाई ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, मेहमान नवाजी बहुत, यार मतलब उनको मना करते रहे मगर बहुत भाई ने जो है ख्याल रखा, बहुत मज़ा आया, सुकून से सोए, सुकून की नींद थी। ये देख लो, ये हमारे भाई की खड़ी हुई है, ये जगह है अब्दुल लतीफ़ भाई की, और यहाँ जो है ना हम लोग सुकून में भाई चारपाई पे, फुल गांव वाला जो है ना मज़ा आया, फुल बहुत ही आला जो है ना मज़ा आया, सुकून से सोए। अच्छा, अभी हमने जो है गोटकी से अब निकलेंगे, सही है, और हम लोग डायरेक्ट जो है वो मुल्तान जाएंगे। तकरीबन 360 किलोमीटर की जो है ना वो राइड है, तो अब यहाँ से गोटकी से जो है डायरेक्ट मुल्तान के लिए रवाना होंगे। बहुत अच्छा, फ्रेश हो गया हूँ, नींद पूरी हो गई है, क्योंकि परसों रात से जो है ना हम लोग वो निकले हुए थे और पूरी रात जो है ना वो बाइक चलाई है। सुबह गर्मी हो गई थी, रात में थोड़ी ठंड थी, मगर एंजॉय करा, मज़ा आया बहुत। भाई का जो है ना वो बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई ने जो है ना यार वो बहुत ख्याल करा, बहुत मज़ा आया। अब्दुल लतीफ़ भाई से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला हूँ, फेसबुक पे, ग्रुप पे, सब जगह बात होती रहती थी, मगर मुलाकात जो है ना वो आज पहली दफ़ा हुई, बहुत मज़ा आया मुझे। और मतलब इतनी खातिर दवादा इन्होंने भाई ने करी है कि मना करते रहे कि भाई बस अब जो है ना पेट ख़राब हो जाएगा, मगर भाई ने बोला नहीं भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करी, बहुत मज़ा आया भाई के पास। अच्छा, अभी जो सीन ये करेंगे कि ये भाई का गोटकी बाइकर्स क्लब के नाम से जो है ना गोटकी बाइकर्स अब्दुल लतीफ़ में, तो भाई जो भी गोटकी से गुजरे ना बाइकर, तो भाई भाई से मिलते हुए ज़रूर जाना, बहुत मज़ा आया। नंबर भी देख लो, लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, नहीं हो तो मुझसे ले लेना, कोई मसला नहीं है, तो मज़ा आना है फुल बेहतरीन। ये बाइक है हमारी, अब रेडी है बिल्कुल, सामान वामान तो पैक हुआ हुआ, हमने सामान खोला ही नहीं है। यार मज़ा ये आता है कि मतलब अगर आप किसी के पास जा रहे हो ना, तो ये सामान खोलना पड़ता है ना, बार बार बांधना पड़ता है, इससे जान छुटी जाती है आपकी, क्योंकि ये खोलना और बांधना बहुत ही अजाब है सामान। अभी ये सुकून से बना हुआ है, बाइकें खड़ी हुई हैं, पर आपने जो है ना अपना हेलमेट, गियर्स पहनना है, जैकेट पहननी है और रवाना हो जाना। आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू करेंगे मुल्तान की तरफ, बस यहाँ से थोड़ी देर में जो है रवाना होते हैं, इंशाल्लाह जो है वो निकलते हैं यहाँ से। सही है भाई, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। सही है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। बन्नी क्या था हुआ, दोबारा से बोल लो कनेक्ट। दोबारा से उस पर डाल दे, दोबारा से ब्लूटूथ पर डाल देता हूँ। सही है, अब पेयरिंग पे लग गया ना, मोबाइल का ब्लूटूथ तो नहीं खुला हुआ, कनेक्ट हो गया। हाँ चलो चलो भैया, अब आप निकलो। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई हम जो है अब रवाना हो गए अपने सफ़र के लिए, लतीफ़ भाई को ये अपने खैरवाद कह दिया है, उनसे रवानगी ले ली है, और अब हम जो है ना रवाना हो गए अपने मंजिल की तरफ, मुल्तान के लिए निकल गए। 370 किलोमीटर है तकरीबन जो मैप दिखा रहा है, मगर एक रास्ता और है, दो तकरीबन शॉर्ट है जो मैंने अभी मैप पे डाला है, तो वो 356 किलोमीटर जो है
वो शो कर रहा है। तो हमने भी मैप पे जो सिलेक्ट करा है वो वही रास्ता सिलेक्ट करा है, तो इंशाल्लाह वहीं से जाएंगे। कौन सा वाला ये नहीं पता, ये कहाँ जा रहा है। हमने तो ये वाला रोड सीधा लेना है, हमने तो ये वाला सीधा ट्रैक लिया था। और ये जो है वो गन्ना लगा हुआ है सारा, है ना भैया? फिर क्या, गन्ना ही तो है यार भाई। मैंने तो खेतों वाला गन्ना जो है ना वैसे ही देखा है, ये वही लग रहा है मुझे। हाँ ये गन्ना ही तो है यार, ये गन्ना लगा हुआ सारा, गन्ना है गन्ना है। भाई ये थोड़ा सा जो है ना अभी कच्चा रोड स्टार्ट हुआ है, मगर इस कच्चे में बाइक चलाने का जो है ना बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब महसूस नहीं हो रहा, बहुत अच्छा जो है ना बाइक रिस्पॉन्स दे रही है इस वक्त। मैं सुकून से जो है ना कंफर्ट के साथ इस कच्चे पे से गुजर रहा हूँ। मतलब ये इतना कोई एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं है, नॉर्मल एक ऑफ रोड है, मगर मैं सुकून से जो है ना, अगर ये मेरे पास, अगर मुझे एक दो घंटे भी ऐसे ट्रैक पे चलाना पड़े ना, तो मैं इजीली जो है ना वो चला लूँगा। और कोई मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड भी मारता हूँ ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाइना तो है भाई, जो भाई बोलते हैं चाइना, तो भाई चाइना तो है, मगर जो आपको मज़े करा रही है ना ट्रिप पे, असल में वो पैसे वसूल हो जाते हैं। लोग जो है ना वो चाइना और बाहर का बाइक और ये और इम्पोर्टेड और ये, भाई बात यह हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऑप्शन हो तो सही कम से कम। जब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, क्या ले गया होगे? आप डायरेक्ट आप BMW तो नहीं ले सकते ना कोई? हमारे पास 310 BMW अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान में, इंडियन मेड है, इंडिया हमें प्रोवाइड ही नहीं करेगा। तो जो हमें हमारे पास मौजूद है ना, उसमें खुश होना चाहिए। हमारे पास RX3 बिगनर के लिए है, मतलब जो GS 150 और YBR से ऊपर आना चाह रहा है 250 cc कैटेगरी में, तो उसके लिए जो है ना मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है ये RX3 का। आप एक दफ़ा इसको जो है ना या तो न्यू ले लें या यूज़ में, मतलब अगर आपको 250 कैटेगरी में आना है, 250 cc कैटेगरी में, तो यार इससे अच्छा ऑप्शन जो है ना फिर नहीं है। और न्यू ले लेते हो तो फिर तो आपकी जो है ना समझ लो कि 4-5 साल तक तो जो है ना वो जान छुड़ जानी है। माशाल्लाह से ऑन रोड भी करा और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, ऑफ रोड भी कर रहा हूँ इस पर तो रिस्पॉन्स जो है ना बहुत, ये समझ लो कि सारा आड़ा टेढ़ा धड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ वाला जो है ना ये रोड है, ये ट्रैक है। असल में स्लो मैं जो है ना वो जो न्यू चला रहा हूँ, क्या अमीन भाई जो है ना वो स्लो पीछे आ रहे हैं। वजह उनकी ये कि उनके पास जो है ना लैपटॉप जो है ना वो उनके लगेज में है, और लगे पिछले साल जो है मैं 500 रुपये एक नुकसान उठा चुका हूँ लैपटॉप का, अपने स्क्रीन उसकी जो है वो फारिग हो गई थी। तो अच्छा कर रहे हैं कि वो जो है ना थोड़ा नॉर्मली आ रहे हैं, क्योंकि भाई खुदा ना खास्ता अगर लैपटॉप फारिग हो गया तो हम दोनों ने जो है ना लटक जाना है। तो भाई मज़ा आ रहा है, ये देखो रिस्पॉन्स अच्छा है, रिस्पॉन्स जो है ना वो अच्छा है। जो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ये देखो ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों में। मतलब ये छोटे मोटे ये जो आपका बाज़ाहिर आपको शायद लग रहा हो कि ये जो है बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड नज़र आ रहा हो, मगर ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल ऑफ रोड है, कच्चा रोड है सारा, मगर मज़े का रोड है। अमीन भाई आ जाए तो फिर, अमीन भाई कहाँ पहुँचे?
यार ये वाला जो मेरा मोबाइल होल्डर है ना, ये फारिग है। मुझे बहुत जो है ना झुकना पड़ता है इसके मैप के अंदर देखने के लिए, तो इसको जो है ना भाई यहाँ से हट कराएंगे। चले अमीन भाई निकले, आप निकलो आगे निकलो। हाँ निकलो, हाँ यही रोड है भाई। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर एक यू बैंड के साथ यहाँ इसको फिट कराऊँगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा ऑफ रोड में जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा है इसका, मज़ा आ रहा है। जो एक ये टॉर्क देता है ना अपना, वो मज़ा आ गया। जो मैंने बातें सुनी थी ना RX3 के बारे में कि ऐसी है वैसी है यूँ है ये, भाई अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सही है ना। अब इसका जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो देखो, सुना तो है कि भाई अच्छा रिस्पॉन्स है नॉर्थ की तरफ भी चढ़ाइयों पर, ऑन रोड पे। ऑफ रोड तो खैर मैं अभी नहीं करूँगा, नॉर्थ की तरफ ऑन रोड ही है, तो ऑन रोड पे जो है ना वो चढ़ाई होती है, तो उसका रिस्पॉन्स देखना है कि क्या रिस्पॉन्स आता है EFI पे, क्योंकि कार्बोरेटर पे इस बाइकों पे जो है ना वो हमने चेक कर लिया है। ES 150 है जिसमें यूरो है, तो यूरो बाबू सर पर जब आप चढ़ते हैं तो वो अपनी जान निकाल चुका होता है पूरी, वो कर रहा होता है, तो वो उस तरह की जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। अच्छा ये EFI है, तो इसका जो है ना रिस्पॉन्स चेक करना है कि ये बाबू सर पे जब हम चढ़ेंगे या कुंजराब पे जाएंगे तो ये क्या रिस्पॉन्स देता है। भाई पक्का रोड जो है ना आ गया है। अमीन भाई अब भागे, अमीन भाई मज़ा भागे। तो भाई फाइनली जो है वो खान बिला टूल प्लाजा पे पहुंच गए, और मुल्तान अभी तकरीबन हमसे पता नहीं 111 भी ये रीरूटिंग हो रहा है, रीरूटिंग होता है तो मुझे जो है ना कंफर्म आएगा कि ये कितने किलोमीटर जो है यहाँ से रह गया मुल्तान, क्योंकि हमने जो है वो दूसरा रूट मैप से हट के एक लिया जिसकी वजह से जो है ये रीरूटिंग कर रहा है, और ये जो है वो काफ़ी आगे जाके जो है ना करेगा। बहरहाल मुल्तान की तरफ जो है ना वो रवाना है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अभी 5:40 मतलब 5:45 हो रहे हैं, तो 8 बजे तक की उम्मीद है कि 8:30 बजे तक प्यार मोहब्बत से हम लोग जो है वो मुल्तान पहुंच जाएंगे इकबाल भाई के पास, इकबाल गांगला के पास। भाई यहाँ पर जो है ना लोग अजीब ही जो है ना वो तरीके से बाइक चलाते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक तरफ आपके लेफ्ट पे जो है ना वो ट्राला चल रहा होगा और राइट पे जो है ना आपके ये राइट हैंड पे बिल्कुल जो है ना फास्ट ट्रैक पे ये अपने जो है ना दो तीन बंदे जो है ना बैठ के और बाइक ले जा रहे होते हैं। इनको हॉर्न दो तो हॉर्न भी नहीं सुनते। अबे भाई अल्लाह के बंदे, ना साइड ग्लास है तुम लोगों के पास, ना तुम्हारे पास सेफ्टी है, हेलमेट तक नहीं पहनते, हेलमेट नहीं लगा रहे, कम से कम साइड ग्लास तो लगाओ ना। मतलब पता ही नहीं है उनके पीछे जाके भी हॉर्न दो जब भी नहीं हटते। यार पता नहीं कैसे मेरी समझ से बाहर है कि कैसे बाइक चलाते हैं ये लोग। तो भाई बस कुछ भी नहीं कर सकते, एहतियात कर करके आए, क्योंकि एकदम जो है ना उन्होंने अपने कट बनाए हुए। एक तो गवर्नमेंट खुद बनाती है कट, जो भी इदारा कट बनाता है ना रोड पर, ये साले जो है ना इन्होंने अपने कट बनाए हुए छोटे छोटे फासले के बाद ही, क्योंकि गांव के हिसाब से जो कट बनाए इन्होंने वो वहीं से निकले और सीधे, वो भाई रुकते भी नहीं है कि बंदा रुक जाए। तो मेरे ख्याल से खान बेला का जो है ना बाजार है, भाई कुछ ट्राई करें हैं। हाँ यहाँ से कार्ड ले लो और कुछ ट्राई भी करते हैं यार। हाँ यहाँ से ले लो, आगे से ले लो, आगे भी दुकान है यार। ये शवारमा बना रहा है, खाएं क्या? चिकन का बर्गर आप नहीं खा रहे यार? मुझे तो भूख लग रही है। दही भल्ले आगे आ जाओ, दही भल्ले। ओहो मैं दही भल्ले खा रहा हूँ। दही भल्ले खाने हैं ना? क्यों?
तो भाई मैं जो है ना वो दही बल्ले खाने रुका हूँ। अमीन भाई तो दही बल्ले नहीं खा रहे, क्यों? मेरा जो है ना वो दिल चाह रहा है दही बल्ले का। कौन है? आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ आ गया। हाँ यही लिया, मिल गया कार्ड, मिल गया तो वहाँ से ले लो, इसके बाद होगा ना इससे ले लो, इससे कार्ड ले लो भाई। चाट 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 भाई, एक प्लेट तो बनाओ, एक प्लेट तो बनाओ। हाँ ना अमीन भाई, मजे की लग रही है, आ जाओ। भाई चटनी तेज है, तेज तेज। दही भाई जरा टाइट करके डाल दिएगा और पापड़ी भी ज्यादा। भाई बेहतरीन, अब जब तक खाते हैं और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, क्या हाल है? वेलकम, ठीक ठाक भाई। माजरत, देर हो गई बहुत ज़्यादा। असल में मैप जो है ना, हमें वो पीछे वाले रास्ते से ले गया। अब वो तो वो ज़रा यूनिवर्सिटी बोल रहा, वो वहाँ से घुमा के फिर यहाँ से बाहर लेके आ रहा था। ये कहानी हुई। चलो और बाकी सब ठीक रहे? बेहतरीन, मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, बेहतरीन रहा। ये बाइक यहाँ बिल्कुल इसके सामने खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ तो भाई फाइनली जो है वो इकबाल भाई के पास पहुँच चुके हम, और यहाँ जो है वो नाइट स्टे करेंगे। तो अपना सामान वगैरह जो है ना वो उतारते सही है, और उसके बाद जो है ना अपना ज़रा आराम आराम कर लें, तो फिर ब्लॉग को जो है ना वो कंटिन्यू करते अपने। तो भाई फाइनली जो है वो मुल्तान पहुंच गए पेप्टा हेडक्वार्टर पे, और बहुत मज़ा आ रहा है अभी यहाँ पे आके। इकबाल भाई से मिल के अच्छा लगा, बहुत थक गया हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि पापे जो है ना वो दुख गए। आज भी जो है वो 380 किलोमीटर की राइड थी हमारी, जो गोटकी से और मुल्तान की थी। तो मज़ा बहुत आया, मगर रास्ता जो है ना थोड़ा सा मज़ेदार नहीं था। रोड अच्छे थे, मगर लोग जो है ना वो एकदम आ जाते हैं, एकदम चले जाते हैं, और बाइक वाले जो है वो फास्ट लाइन से फास्ट ट्रैक पे भी जो है ना वो सामने से आ रहे हैं। तो ये एक अजीब सा जो है ना मुझे कुछ लगा, जो समझ में नहीं आ रहा था। तो बहरहाल ये सीन है सारे, मज़ा बहुत आया। ये हमारी बाइक है जो है ना, ये देखो ये सुकून से खड़ी हुई है, और अभी कोई भी नहीं है इधर पेप्टा हेडक्वार्टर में। इकबाल भाई भी सोने चले गए, वो भी हमारी वजह से काफ़ी देर तक हमारे साथ बैठे रहे। इकबाल भाई का टेनर ही खड़ा हुआ है, ये इकबाल भाई का एक ऑफिस है, अंदर एक ऑफिस है। वो सुबह आपको जो है ना मैं दिखाऊँगा कि उसके अंदर ऑफिस में क्या क्या है। मज़ा आ रहा है, बहरहाल इन्जॉय हो रहा है सफ़र को। सारे भाई जो है ना वो बहुत ख्याल रख रहे हैं। गोटकी के मैं जो है ना अब्दुल लतीफ़ मेयर, फिर यहाँ मुल्तान में इकबाल भाई, और आगे भी जो है ना वो कुछ भाई ने इनवाइटेड करा हुआ है। बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इनविटेशन दिया हुआ है कि भाई आप लोग आए तो हमारे पास रुकिएगा। तो ऐसा सीन है, आगे सफ़र अभी बहुत लंबा होना है, मज़ा आना है सफ़र के अंदर। क्योंकि जो मेन सफ़र है ना हमारा, वो शुरू होगा इस्लामाबाद के बाद, क्योंकि कल जो है वो नाइट स्टे होगा केवड़ा सॉल्ट माइन पे। तो कोशिश ये है कि केवड़ा सॉल्ट माइन पे हम सुबह जल्दी आज रवाना हो जाए, मतलब यानी कि कल। तो कल अगर जल्दी उड़ गए, क्योंकि आँखें जो है ना मेरी इस वक्त वो बड़ी बुरी तरह से जो है ना जल रही हैं नींद पूरी ना होने की वजह से। नींद पूरी हो जाए तो ये कि सुबह उठ जाऊँगा, मगर मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि फजर 5:30 बजे अगर हो रही है, 6 बजे रोशनी होती है, तो 7 बजे
निकल जाना है हमने यहाँ से। अगर 7 बजे हम निकल जाते हैं, अगर 7 बजे हम निकल जाते हैं तो जो है ना वो शाम में केवड़ा सॉल्ट माइन विज़िट कर लेंगे और नाइट स्टे का सेटअप जो है ना कोई सीन बना लेंगे वहाँ पर। इन केस अगर नहीं करते तो फिर हम जो है वो केवड़ा सॉल्ट माइन रात में जो है वो नाइट कैंप करेंगे, नाइट स्टे करेंगे और फिर सुबह विज़िट करेंगे। तो अब सोने का टाइम है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई नींद तो आ नहीं रही थी अभी तकरीबन जो है वो, क्या टाइम हो रहा है दिखाता हूँ, 3:20 हो रहे हैं और नींद नहीं आ रही थी तो, और भूख लगने स्टार्ट हो गई तो सोचा क्या करें फिर, तो बैठे बैठे ये ख्याल आया कि भाई फूड पांडा है ना, तो भाई फूड पांडा से जो है ना वो ऑर्डर करा है। अब भाई जो है वो आ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से, देखते हैं कि कब आते हैं वो। तो जिंगर ऑर्डर करा है मैंने, जिंगर। भूख बहुत शिद्दत की लग रही, नींद आ रही नहीं है। 3:20 का टाइम हो रहा है और समझ में मेरी नहीं आ रहा कि मैं सुबह 6 बजे या 6:30 बजे कैसे उठूँ। अल्लाह वाली के भाई, देखते नींद नहीं आ रही थी, भूख लग रही है, सब बात है। तो उसी का वेट कर रहे हैं और टहल रहे हैं मतलब वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं भाई। वो आता है फूड पांडे वाला तो उससे लेते हैं जिंगर, फिर जिंगर को फोड़ते हैं और फिर देखते हैं अगर 1-2 घंटे सो जाते हैं तो जिंगर आ जाए, मज़ा आ जाएगा। तो भाई उम्मीद जो है ना वो लगाई थी बहुत अच्छे जिंगर की कि कराची स्टाइल का जो है ना जिंगर मिलेगा, मगर ये आया, ये इतना सा जिंगर, इससे क्या हुआ मेरा यार। और बहुत महंगा दिया मुल्तान में जो है ना जिंगर, बहुत महंगा है यार। मुझे तो इतना सा ये तो 2 बाइट्स में ही ख़त्म हो जाएगा, ये इतना सा जिंगर आया। और ये आया 240 का, तो भाई बहुत महंगा जिंगर पड़ा। कराची वाले जिंगर बेस्ट है भाई, जिंगर फोड़ेंगे अभी और फोड़ने के बाद कोशिश करेंगे कि 1-2 घंटे की नींद ले लूँ, अगर अगर आसानी से ले सकते हैं। अगर हो गई नींद पूरी तो सही है, वरना फिर बगैर नींद के भाई सुबह रवाना हो जाएंगे, फिर नींद आने का नाम नहीं ले रही है। जिंगर फोड़ते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद सोते हैं।